Hello friends, in this video lecture we are going to understand how can we draw hash diagram from partial order relation. But I will request you to watch the video till end to know how can we draw it. Okay, so let's start. Okay, so हम partial order relation को set builder form में represent नहीं कर सकते because इतने सारे element और सबके सब है different property follow करते हैं. So इसको set builder form में represent करना बहुत ही difficult होगा और हो सकता है कि हम उसको ना represent कर पाए. Okay, that is also a possibility. Okay, so हम इसको hash diagram से represent करते हैं. So hash diagram से represent कैसे करते हैं? Suppose हमने ए सेट से रिलेशन बनाई है. सो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले एक डायरेक्टेड ग्राफ बनाएंगे. डायरेक्टेड ग्राफ कैसे बनाएंगे? डायरेक्टेड ग्राफ के जो भी ए सेट के एलिमेंट होंगे उनको ऐसा वर्टेक्स लेंगे. ओके, सो हमने ले लिया 1, 2 और ये रहा 3 और ये रहा 4. ओके, सो ए सेट जिससे हमारी रिलेशन बनी है उस सेट के सारे एलिमेंट को ऐसा वर्टेक्स चूज करेंगे. ओके, फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद अब ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स से डायरेक्टेड ग्राफ बनाएंगे. दैट इज अगर हमारी रिलेशन में ए कॉमा बी का ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है, सो ए वर्टेक्स से बी वर्टेक्स तक आउटगोइंग एज जाएगी. ओके, ये डायरेक्टेड एज जाएगी ए टू बी इफ बी हैव अ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी. ओके, दैट इज अगर सपोज 1, 2 है, सो 1, 2 के लिए ये एज जाएगी. 1, 3 है, सो ये एज जाएगी. ओके, और 1, 4 है तो ये एज जाएगी. एंड सिमिलरली 2, 3 है सो ये एज जाएगी. 2, 4 है सो ये एज जाएगी. ओके, एंड सिमिलरली 3, 4 है तो ये एज जाएगी. ओके, अब सेल्फ लूप भी आएंगी क्योंकि 1, 1 है. ओके, मैंने बताया था अगर ए कॉमा बी का पेयर प्रेजेंट हो सो ए से डायरेक्टेड एच जाएगी बी की तरफ. ओके, सो 1, 1 तो सेल्फ लूप भी आएंगी. ओके, ऐसे सेल्फ लूप आएंगी. ओके, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स? अब फ्रेंड्स ये करेंगे कि अब हमने डायरेक्टेड ग्राफ बना लिया. अब हमको पता है अगर कोई रिलेशन पार्शियल ऑर्डर है तो उसके पास सारे के सारे रिफ्लेक्सिव पेयर तो होंगे. दैट इज अगर हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट है सेट में ए कॉमा बी, सो ए कॉमा ए और बी कॉमा बी रिलेशन में प्रेजेंट होगी टू सेटिस्फाई रिफ्लेक्सिविटी. ओके, सो हम जिस सारे की सारी जो सेल्फ लूप है उनको हम डिलीट कर देंगे. ओके, उनको हम रिमूव करेंगे. सारी की सारी जो सेल्फ लूप है उनको डिलीट कर देंगे. ओके, सो इन सबको हमने डिलीट कर दिया बिकॉज वी नो दैट रिलेशन में 1, 2, 3, 4 होगा अगर रिलेशन पार्शियल ऑर्डर है. अब क्या करेंगे फ्रेंड्स? अब हम सारी की सारी ट्रांजिटिव एज को डिलीट करेंगे. दैट इज अगर ए टू बी कोई एज जा रही है एंड बी टू सी कोई एज जा रही है, और अगर कोई एज है जो ए टू सी जा रही है, सो ए टू सी एज तो जाएगी. ये हमारा अंडरस्टूड है कि अगर रिलेशन पार्शियल ऑर्डर है और ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है, सो ए कॉमा सी भी होगा, मतलब ए टू सी भी एच जाएगी. सो उसको हम इसमें रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. दैट इज 1, 3 एंड 3, 4 है. ओके, सो 1, 4 भी होगा. सो हम ये सारी की सारी ऐसी एज ट्रांजिटिव एज रिमूव कर देंगे. दैट इज 1, 2, 3 है और 3, 4 है. सो 1, 2, 4 एज होगी ही. सो इसको हम रिप्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टैंड है. ओके, अब क्या करेंगे? 1, 2, 2 एज है, 2, 3 एज है. सो 1, 2, 3 भी एज होगी ही एज पर आर ट्रांजिटिव रिलेशन. सो हम इसको भी हटा देंगे. ओके, अब क्या? अब देखिए 2, 3 है और 3, 4 है. सो 2, 4 भी होगी ही ट्रांजिटिव एज. सो इसको भी हम रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं समझेंगे. ओके, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स? अब ये डायरेक्टेड एज को हम रिमूव करेंगे. वो कैसे रिमूव करेंगे? दैट इज अगर ए कॉमा बी का ऑर्डर पेयर है, मतलब ए इज रिलेटेड टू बी. हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, ए इज रिलेटेड टू बी, और अगर ए इज रिलेटेड टू बी है सो हम हैश डायग्राम में ए को नीचे और बी को ऊपर, ए को नीचे और बी को ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, अब हम क्या करेंगे? जब भी हम हैश डायग्राम बनाएंगे सो हम रिलेशनशिप को नीचे से ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज रिलेशनशिप
ए टू बी है, सो ए नीचे आएगा और बी ऊपर आएगा, और बी टू सी है सो बी नीचे आएगा सी के कंपैरिजन में और सी ऊपर आएगा. ओके सो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि सबसे पहले आएगा हमारा वन. ओके क्योंकि वन टू से कनेक्टेड है, वन इज रिलेटेड टू टू, और फिर अब टू ऊपर आएगा एज कंपेयर टू वन. ओके अब टू किससे रिलेटेड है? थ्री से, सो टू थ्री से नीचे आएगा, सो हमने थ्री लिख दिया. ओके अब थ्री किससे रिलेटेड है? फोर से रिलेटेड है, सो फोर ऊपर आएगा थ्री के. ओके अब हम सीधी सीधी एक लाइन खींच देंगे. सो ये हो गया हमारा हैश डायग्राम इस पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का. ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन ऑन इट. ओके सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन इज दैट वी हैव अ सेट ए, ओके, एंड वी हैव अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन this. Okay, here I have not mentioned reflexive pair because we know that if a relation is partial order then there must be reflexive order pair present in it. Okay, so I have not mentioned any reflexive pair like 1,1, 2,2 up till 12,10. okay, अब हम क्या करेंगे friends? अब हम directed graph बना के hash diagram में convert नहीं करेंगे, अब हम direct hash diagram बनाएंगे. ओके और सीखेंगे कैसे डायरेक्ट हैश डायग्राम बना सकते हैं हम विदाउट मेकिंग अ डायरेक्टेड ग्राफ. ओके सपोज अगर हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है ए कॉमा बी, दैट इज ए इज रिलेटेड टू बी. ओके ए बी से रिलेट कर रहा है और बी ए से रिलेट हो रहा है, सो ए हमेशा नीचे आएगा और बी हमेशा ऊपर आएगा अगर ए बी से रिलेट करता है और बी, और वी कैन से वाइस वर्सा दैट B A से रिलेट हो रहा है. ओके सो इसको यूज करके हम हैश डायग्राम बनाएंगे इस प्रॉपर्टी को यूज करके. सो अब देखिए वन सारे एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, दैट इज वन इज रिलेटेड टू टू, वन इज रिलेटेड टू थ्री, वन इज रिलेटेड टू फोर, वन इज रिलेटेड टू सिक्स एंड वन इज रिलेटेड टू ट्वेल्व. लेकिन क्या वन कोई एलिमेंट से रिलेट हो रहा है? नहीं हो रहा, लेकिन वन सारे के सारे एलिमेंट से रिलेट कर रहा है. सो जो एलिमेंट रिलेट करता है वो नीचे आता है, लेकिन वन तो सारे के सारे एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, सो वन आएगा हमारा हैश डायग्राम में सबसे नीचे. वन हमारा हैश डायग्राम में सबसे नीचे आएगा. ओके और ऐसा एलिमेंट जो सबसे रिलेट हो रहा होता है वो सबसे ऊपर आएगा. ओके अगर कोई एलिमेंट सबसे रिलेट कर रहा है सो वो नीचे आएगा, सो ऐसा एलिमेंट जो सबसे रिलेट हो रहा है वो सबसे ऊपर आएगा. जैसे कि 12 वन से भी रिलेट हो रहा है, 12 2 से भी रिलेट हो रहा है और 12 3 से भी रिलेट हो रहा है और 12 4 से भी रिलेट हो रहा है, लेकिन क्या 12 किसी को रिलेट कर रहा है? नहीं कर रहा जी. ओके सो 12 हमारा सबसे ऊपर आएगा. ओके सो ये आ गया हमारा 12. ओके अब बात करते हैं कि 2 3 और 4 और 6 ये 1 और 12 के नीचे आएंगे, क्योंकि 1 सबसे नीचे आएगा और 12 सबसे ऊपर आएगा, सो 2 3 और 4 से बीच में आएंगे इसके. सो अब हम ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि 2 3 के नीचे आएगा या सेम लेवल पे आएगा या ऊपर आएगा? ओके सो अब देखिए क्या 2 3 से रिलेट कर रहा है, दैट इज 2,3 का कोई ऑर्डर पेयर है? जी नहीं, 2,3 का कोई ऑर्डर पेयर नहीं है. क्या 3 2 को रिलेट कर रहा है? दैट इज 3,2 का कोई हमको अगर ऑर्डर पेयर मिल जाए, सो नहीं, 3 भी 2 को रिलेट नहीं कर रहा, सो 2 और 3 हमारा सेम लेवल पे आएंगे. ओके That is 2 और ये आ गया हमारा 3. ओके सो 2 और 3 हमारे सेम लेवल पे आ गए, लेकिन 1 तो इनको रिलेट कर रहा है, सो हमने ये एज ड्रॉ कर दी. अब देखिए क्या 2, अब 2 किस किस को रिलेट कर रहा है? 2 रिलेट कर रहा है 4 को रिलेट कर रहा है और 6 को रिलेट कर रहा है. ओके और लेकिन 3 हमारा 6 को रिलेट कर रहा है और 12 को रिलेट कर रहा है. ओके सो 2 रिलेट कर रहा है सिंस 4 और 6 को, और 4 और 6 क्या एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं? डेट इज क्या 4,6 या 6,4 का कोई ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है? नहीं है, सो 4,6 भी सेम लेवल पे आएंगे. 4,6 ओके अब 2,4 को रिलेट कर रहा है तो ये एक एज हो गई, और 2,6 को रिलेट कर रहा है तो एक जे एज हो गई. ओके अब 3 क्या 3,4 को रिलेट कर रहा है? क्या 3,4 को रिलेट कर रहा है? नहीं कर रहा, मेरे को तो इस रिलेशन में कहीं नहीं दिख रहा, सो ये आया एक एज ये, क्योंकि 3 सिर्फ 6 को रिलेट कर रहा है लेकिन 3,4 को रिलेट नहीं कर रहा. ओके अब 4 12 को रिलेट कर रहा है, सो ये हो गई एज, और
6, 12 को रिलेट कर रहा है. सो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा हैश डायग्राम. ओके ये हमने बिना डायरेक्टेड ग्राफ बनाए हुए डायरेक्ट बना दिया. इसमें अब मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं मैंने क्या किया. मैंने सबसे पहले ये देखा ऐसा एलिमेंट ढूंढा जो सबको रिलेट कर रहा हो. सो मेरे को ऐसा एलिमेंट मिल गया 1 जो सब एलिमेंट को रिलेट कर रहा है. ओके फिर उसके बाद क्या कर रहा मैंने, फिर ऐसा एलिमेंट ढूंढा जो सबसे रिलेट हो रहा है, दैट इज बी, बी पार्ट. ओके सो ऐसा एलिमेंट मेरे को 12 मिल गया जो 1 से 2 से 4 से और 6 से सबसे रिलेट हो रहा है. ओके फिर मैंने इनके बीच के एलिमेंट को डिटरमाइन किया और 2 और 3. ओके सो 2 और 3 को हमने सेम लेवल पे इसलिए रखा क्योंकि ना तो 2 3 को रिलेट कर रहा है ना 3 2 को रिलेट कर रहा है. सो ये सेम ऑर्डर पे. और 4 और 6 को मैंने सेम ऑर्डर पे इसलिए रखा फ्रेंड्स क्योंकि ना 4 6 को रिलेट कर रहा है ना 6 4 को रिलेट कर रहा है. ओके सो फिर मैंने क्या करा, मैंने देखा 2 4 को रिलेट कर रहा है सो 2 से 4 तक एंग खींच दी. और 2 देखा 2 6 को रिलेट कर रहा है तो 2 से 6 को. और 3 4 को रिलेट नहीं कर रहा सो मैंने 3 2 4 नो एज कोई भी एंग खींची. और लेकिन देखा 3 कॉमा 6 का ऑर्डर पेयर है मतलब 3 6 को रिलेट कर रहा है सो ये ऑर्डर सो ये मैंने एज खेल दी. ओके सो अब इसको पोसेट मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. ओके सो आप ध्यान से देखो इस रिलेशन को. सो ये है 12 के डिवीजर. ओके 12 4 से डिवाइड हो सकता है, 6 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है. ओके सो हम पोसेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कॉमा आर. ओके वेयर ए इज ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट. ओके एंड आर R is the relation. क्या relation से हमने ये hash diagram बनाया है. So ये क्या है, ये होगा हमारा divisor of 12. Okay, divisor of 12 को मैंने D 12 से represent कर दिया. Divisor of 12 कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 6 और 12. Okay, और हमारी relation क्या है, relation है हमारी divide की. ये क्या हो गया, set के element हो गए क्योंकि ये सारे के सारे हमारे 12 के divisor है. Okay, और relation क्या है, relation जिससे ये हैश डायग्राम बना है वो है डिवाइड. ओके सो इसको हमने पोसेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. ओके फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को. थैंक यू ऑल.